तो हम लोग लिमिट डिफिनेशन पढ़ेंगे। लिमिट डिफिनेशन क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ए से बी फ्रॉम लिमिट डिफिनेशन ऑफ आर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स बी एक्स इक्वल्स लिमिट न्यू बी टेंड्स जीरो सिग्मा आर इक्वल वन टू एन अबाउट जीटा आर डेल्टा। ये आपका डिफिनेशन था। अब हम क्या करते हैं? लेट क्लोज इंटरवल ए बी इज डिवाइडेड इनटू एन स्मॉल एन इक्वल पार्ट इक्वल पार्ट विथ लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज एच दैट इज h equal b minus a by l, that is p equal a plus h a plus 2h dot dot a plus nh equal b। तो अब जब तुम्हारा ये डेलार हो जाएगा वो एच हो जाएगा। अब प्रत्येक इंटरवल का लेंथ एच है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब इंटरवल प्रत्येक इंटरवल का लेंथ एच है। दिन तुम्हारा डिफिनेशन क्या बनेगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स और जीटा आर को कॉन्साइड करवा दो ए आर प्लस एच के साथ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच इनटू एच आर इक्वल वन टू एन। मतलब जीटा आर को, जीटा आर क्या था? आर में इंटरवल का कोई पॉइंट होता था तो हम आर में इंटरवल मतलब जीटा आर को कॉन्साइड करवा दिया प्लस आर एच के साथ में। प्रत्येक डेलार क्या था? आर में इंटरवल का लेंथ था, प्रत्येक इंटरवल का लेंथ तुम्हारा एच हो गया। और न्यू पी लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब इंटरवल, यह जो डिफिनेशन बना यह डिफिनेशन तुम्हारा लिमिट डिफिनेशन ऑफ आर इंटीग्रेबिलिटी बना। इसी को इंटीग्रेशन एज लिमिट सम करते हैं। लॉजिक क्या बना है? लॉजिक क्या बना है? फ्रॉम लिमिट डिफिनेशन ऑफ आर इंटीग्रल आप क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट न्यू बी टेंड्स टू जीरो सिग्मा आर इक्वल वन टू एन अबाउट जीटा आर डेल आर। वहां पे जीटा आर क्या रहता है? आर में इंटरवल का कोई एक पॉइंट रहता है। जीटा आर क्या रहता है? आर में इंटरवल का कोई पॉइंट रहता है। डेल आर क्या रहता है? आर में इंटरवल का लेंथ रहता है। इंटीग्रेशन किसका? आरवा इंटरवल किसमें बनेगा? ए बी के पार्टीशन। हम क्या किए? हमको अब अपने से बनाना है तो हम ए बी को एन इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिए। प्रत्येक इंटरवल का लेंथ एच रख दी, प्रत्येक इंटरवल का लेंथ एच रख दी। ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच डॉट डॉट ए प्लस एन एच बराबर बी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहां से दिख जाएगा NH बराबर B माइनस A, तो B बराबर A प्लस NH। तो डिवाइड कर दिए, प्रत्येक इंटरवल का लेंथ मेरा कितना हो गया? H, तो डेल आर हो गया H,
length of largest subinterval मतलब lower mark partition जब equal length में divide करेंगे तो प्रत्येक interval का तो length ऐसे ही है तो किसी भी interval का length ले लोगे तो वही तुम्हारा h हो जाएगा मतलब u भी हो जाएगा और जीटा आर को कंसाइड करवा दिए a प्लस आर एच के साथ में a प्लस आर एच के साथ में कंसाइड करवा दिए एक नया डिफिनेशन बन गया। इस डिफिनेशन को इंटीग्रेशन एज लिमिट सम बोलते हैं फिलहाल हम इसको यूज करके जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसके ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। देखो उस डिफिनेशन पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखो एक फंक्शन है लेट f(x) = (0,1) प्रूफ करना है तो f बिलोंग्स टू r 0 टू 1 एंड इंटीग्रेशन 0 से 1 f dx निकालना भी है। यहां से आप दो अप्रोच फॉलो कर सकते हो। एक यह कर सकते हो जो f(x) = x² 0 से 1 में fx बराबर x स्क्वायर एक पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल कंटीन्यूअस होता है और आप जानते हैं कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। fx इक्वल्स x स्क्वायर आर इंटीग्रेबल होगा 0 टू 1 में। ये तुम्हारा फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकंड पोर्शन में उसका फिर वैल्यू भी निकालना है। वैल्यू निकलेगा इंटीग्रेशन एज लिमिट सम से या आप सीधा लिमिट डिफिनेशन लगा सकते हो जो इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट h इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा अबव a प्लस rh इनटू h। अगर उसके लिमिट का एग्जिस्टेंस हुआ तो फंक्शन r इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज फंक्शन r इंटीग्रेबल नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल है इसका सॉल्यूशन। हेयर fx इक्वल x स्क्वायर और इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 टू 1। सबसे पहले आप h निकाल लें। h इक्वल b माइनस a बाय n 1 माइनस 0 बाय n इट मींस 1 बाय n that is h equal 1 by n। let b equal a partition बनाइए p equal 0 1 by n 1 by n में 1 by n जोड़ते जाइए 2 by n 3 by n 4 by n so on n by n 1 n by n 1 these are partition of 0 1 from limit definition integration 0 to 1 fx dx equal limit h tends to 0 sigma f of a plus rh into h r equal 1 to n। अब आप यहां पे आपका a कितना है, a आपका 0 है, h तो h ही है, h हम लोग यहां से रखे हुए हैं, h हमारा h ही है 1 by 1 या h के बदले में 1 by n डाल सकते हो, h के बदले में 1 by n अगर 1 है तो इस h के बदले में 1 by n डाल सकते हो। तो बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स 0। ये a से b तक का फार्मूला था, a से b fx dx का। Therefore integration 0 से 1 fx dx equal limit h tends to 0 r equal 1 to n f of 0 plus h r h into h it means limit h tends 0 sigma f of r h into h r equal 1 to
n। अब आपको सबसे पहले ये निकालना चाहिए, जब यह निकल जाएगा फिर इसका लिमिट निकालेंगे। पहले अब हम यह निकालते हैं कौन सिग्मा अबव आरएच इनटू एच। पहले सिग्मा अबव आरएच, सिग्मा अबव आरएच जब आप निकालोगे इसका मतलब लिमिट एच टेंड्स जीरो, एच बाहर, एच को तो आर से कोई मतलब है नहीं, आर का वैल्यू डाल रहे हैं, एफ ऑफ एच, एफ ऑफ टू एच डॉट डॉट एफ ऑफ एन एच, आर का वैल्यू डाल दिए एन तक, इज इक्वल्स लिमिट एच टेंड्स जीरो एच। तुम्हारा फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, एफ एच इक्वल एच स्क्वायर, टू एच टू स्क्वायर एच स्क्वायर, थ्री एच थ्री स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इट मीन्स लिमिट एच टेंड्स जीरो एच स्क्वायर, उसमें से कॉमन कर लो, सब में से एच स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एच इंटू एच स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका तो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को डाल दो। देखो अब इसका जोड़ निकालने, इसके सम का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट एच टेंड्स जीरो एच क्यू, इसका फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब इस एच को एडजस्ट करो, चूंकि एन भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, या तो पूरा प्रॉब्लम को एन के टर्म में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो एच के टर्म में कन्वर्ट कर लो। एन के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे, एच बराबर वन बाई एन, नहीं तो एच के ही टर्म में कन्वर्ट कर लो, दोनों का मीनिंग एक नहीं होगा। इस एच क्यू को एकल दो एच इस तीनों फैक्टर में अरेंज कर देते हैं, मीन्स अगर इसको आप लिखना चाहो लिमिट एच टेंड्स जीरो एन एच, इसमें एन एच प्लस एच टू एन एच प्लस एच बाई सिक्स, मतलब एच क्यू को एच इंटू एच इंटू एच, एक एच इस एन के साथ में, एक एच इसके साथ में, एक एच टू एन प्लस वन वाले के साथ में। देन फिर यहां से यूज करो एच बराबर वन बाई एन, चूंकि एच इक्वल वन बाई एन, एन एच इक्वल वन, जहां जहां पे एन एच है वहां वहां पे वन डाल दो, therefore लिमिट एच टेंड्स जीरो वन इंटू वन प्लस एच टू इंटू वन प्लस एच बाय सिक्स। अब यह कोई इंटरमीडिएट फॉर्म्स नहीं है, सीधा एच का वैल्यू डालो, वन इंटू वन प्लस जीरो टू प्लस जीरो बाय सिक्स, इट मीन्स टू बाय छ वन बाय थ्री, ये आपका आंसर हो गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल वन बाय थ्री किए क्या। सबसे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम जहां तक मैं आपको कहेगा आप इंटीग्रेशन करो, जो भी फंक्शन रहेगा वो एफ एक्स हो गया, जो इंटरवल देगा वो इंटरवल, मतलब जब भी आपको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो, इंटीग्रेशन है लिमिट सम से, तो सबसे पहले आप उस इंटरवल का पार्टीशन बनाएंगे। जब वो आपका पार्टीशन बन जाएगा, प्रत्येक सब इंटरवल का लेंथ आप एच रखेंगे, एच क्या होगा, एच बराबर बी माइनस ए बाई एन, जहां पे एन क्या रहा होगा नंबर ऑफ सब इंटरवल, एच बराबर बी माइनस ए बाई एन, जहां पे ए इनिशियल पॉइंट बी फाइनल पॉइंट। पार्टीशन करने के बाद में
आप फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ए से भी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एच टेंस जीरो सिग्मा आर इक्वल वन टू एन अबाउट ए मोलस आर एच इन टू एच देना। सबसे पहले इसमें ए का वैल्यू डाल दीजिएगा, यहां पे हमारा ए जीरो था तो ए बराबर जीरो डाला, तो सिग्मा एफ ऑफ जीरो प्लस आर एच लिमिट एच टेंस जीरो सिग्मा एफ ऑफ आर एच इन टू एच। इस एच को तो आर से तो कोई मतलब है नहीं, तो एच कॉन्स्टेंट हुआ तो कॉन्स्टेंट को आप बाहर भीतर समेशन में कर सकते हो। आर का वैल्यू डाल दिए एक दो तीन सो ऑन, तो जब ए डाले तो एफ एच दो डाले तो टू एच डॉट डॉट एन एच। आपका फंक्शन क्या है एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब जोड़िएगा उसको स्क्वायर करना है, तो एफ एच का मतलब क्या हुआ एच का स्क्वायर, 2h का क्या मतलब हुआ 2h2 h2, 3h का मतलब क्या हुआ 3h2 h2, fh h2 2h2 h2 3h 3h2 h2 dot dot l2 h2। इस पूरे में जब आप देखोगे h2 कॉमन निकल रहा था, h2 को कॉमन कर लिया तो बच गया 1h2 2h2 plus 3h2 dot dot n2। The sum of square of first n initial number, इसका फार्मूला होता है e to n plus 1 e to 12 plus 1 by 6, ये h और h square h cube, यहाँ जो आके तुम्हारा प्रॉब्लम में दो का वेरिएबल हो गया n भी h भी, या तो h को ही n के टर्म में बदल दो तो कैसे बदलोगे h बराबर b minus a by n, देन फिर इस लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। जब h जीरो हो रहा होगा तो n इनफिनिटी हो रहा होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग h बराबर b minus a by n, या अदरवाइज n को ही h के फॉर्मेट में बदल लो वो कैसे बदलोगे h बराबर b minus a by n तो nh बराबर b minus a। तो हम ये क्या ये जो h क्यूब था इस h को h into h into h और तीनों फैक्टर में एक को x से गुणा कर दिए, nh के बदला में h बराबर 1 by n तो nh बराबर 1 तो nh बराबर 1 डाल दिए, देन भी देख लेते हैं कोई डिटरमिनेंट फॉर्म्स नहीं था। अब इसमें लिमिट का वैल्यू डाल दिए रिजल्ट दिया 2/6 सिंपलीफाई करके 1/3, दैट मींस आपके फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 में वह 1/3 होगा। यह लॉजिक आप किसी भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो। सबसे पहले सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच इंटू एच, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच पहले निकालना, जब वह निकल जाएगा उस रिजल्ट में एक्स से मल्टीप्लाई करना, जितना भी फैक्टर बनेगा जब जोड़ निकल जाएगा या तो पूरे एक्सप्रेशन को एच के टर्म में बदल लेना नहीं तो एन के टर्म में, अगर एन के टर्म में बदलोगे तो लिमिट भी चेंज करना, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, अगर एच के टर्म में चेंज करोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देन फिर सिंप्लीफाई करके लिमिट निकालो। अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस हुआ तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा, अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं रहा होगा। प्रत्येक प्रॉब्लम में आप इंटीग्रेशन एज लिमिट सम को यूज कर सकते हो, बस अपने पहले एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा, फिर सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच इनटू एच, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच निकालना पड़ेगा समेशन, जब वह जोड़ निकल जाएगा उसको एच से मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट निकालना पड़ेगा।
मतलब जब भी आपको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो, इंटीग्रेशन है लिमिट सम से, तो सबसे पहले आप उस इंटरवल का पार्टीशन बनाएंगे। जब वो आपका पार्टीशन बन जाएगा, प्रत्येक सब इंटरवल का लेंथ आप h रखेंगे, h क्या होगा, h बराबर b माइनस a बाई n, जहां पे n क्या रहा होगा, नंबर ऑफ सब इंटरवल, h बराबर b माइनस a बाई n, जहां पे a इनिशियल पॉइंट, b फाइनल पॉइंट। पार्टीशन करने के बाद में आप फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन a से b f(x) dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिग्मा r इक्वल 1 टू n f ऑफ a प्लस rh इनटू h। देना सबसे पहले इसमें a का वैल्यू डाल दीजिएगा, यहां पे हमारा a 0 था तो a बराबर 0 डाला, तो सिग्मा f ऑफ 0 प्लस rh, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिग्मा f ऑफ rh इनटू h। इस h को तो r से तो कोई मतलब है नहीं, h कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट को आप बाहर भीतर समेशन में कर सकते हैं। r का वैल्यू डाल दिए 1 2 3 सो ऑन। तो जब एक डाले तो एफ एच, दो डाले तो टू एच डॉट डॉट एन एच। आपका फंक्शन क्या है, x बराबर x स्क्वायर, मतलब जो रहेगा उसको स्क्वायर करना है। तो एफ एच का मतलब क्या हुआ, h का स्क्वायर। 2h का क्या मतलब हुआ, 2h2h2। 3h का मतलब क्या हुआ, 3h2h2। fh h2, 2h2h2h2, 3h3h2h2, dot dot l2h2। इस पूरे में जब आप देखोगे h2 कॉमन निकल रहा था, h2 को कॉमन कर लिया तो बच गया 1h2 2h2 + 3h2 dot dot n2। तो sum of square of first n rational number, इसका फार्मूला होता है 12 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
कंडीशन के अकॉर्डिंग एच बड़ा और बी माइनस ए बाई एन, या अदरवाइज एन को ही एच के फॉर्मेट में बदल लो, वो कैसे बदलोगे, एच बराबर बी माइनस ए बाई एन, तो एन एच बराबर बी माइनस ए। तो हम ये क्या, ये जो एच क्यू था इस एच को एच इंटू एच इंटू एच और तीनों फैक्टर में एक को एच से गुणा कर दिए, एन एच के बदला में एच बराबर वन बाई एन, एन एच बराबर वन, तो एन एच बराबर वन डाल दिए। देन भी देख लेते हैं कोई डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं था। अब इसमें लिमिट का वैल्यू डाल दिए, रिजल्ट दिया 2/6, सिंपलीफाई करके 1/3, दैट मींस आपके फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 में वह 1/3 होगा। यह लॉजिक आप किसी भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो। सबसे पहले सिग्मा f ऑफ a plus rx into h, सिग्मा f ऑफ a plus rx पहले निकालना, जब वह निकल जाएगा उस रिजल्ट में x से मल्टीप्लाई करना, जितना भी फैक्टर बनेगा जब जोड़ निकल जाएगा, या तो पूरे एक्सप्रेशन को h के टर्म में बदल लेना, नहीं तो n के टर्म में। अगर n के टर्म में बदलोगे तो लिमिट भी चेंज करना, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। अगर h के टर्म में चेंज करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देन फिर सिंप्लीफाई करके लिमिट निकालो, अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस हुआ तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा, अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं रहा होगा। प्रत्येक प्रॉब्लम में आप इंटीग्रेशन एज लिमिट सम को यूज कर सकते हो, बशर्ते पहले एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा, फिर सिग्मा f ऑफ a प्लस rh इनटू h, तो सिग्मा f ऑफ a प्लस rh निकालना पड़ेगा, समेशन जब वह जोड़ निकल जाएगा उसको h से मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट निकालना पड़ेगा।